हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग कुछ बात कर रहे थे बच्चों रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना। तो उसमें सिल्वर का जो फ्लोराइड होता है, लेड का जो फ्लोराइड होता है बच्चों, वो सॉल्युबल होता है। बाकी जो इनके हैलाइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। तो अभी हम बच्चों कुछ बात करेंगे स्टेटमेंट्स ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या देते हैं, क्लू देते हैं, ठीक है ना, ऑन सॉलिबिलिटी। तो ये आपको क्या देगा, वेरी इम्पॉर्टेंट क्लू देगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपको ये आज देंगे, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्लूज प्रोवाइडर है, ठीक है। आपको बच्चों टेस्ट करना होता है, तो इफ़ यू हैव सम नॉलेज अबाउट कि व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इनसॉल्युबल, ठीक है ना, तो दैट विल फैसिलिटेट इन द डिटेक्शन प्रोसेस। तो पहला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू है, नाइट्रेट्स ऑफ एवरी, ठीक है ना, मेटल्स जो होते हैं बच्चों वाटर सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रेट्स एंड पर मैग्नेट्स, ठीक है, पर मैग्नेट, ठीक है ना, ऑफ एवरी मेटल, एवरी मेटल आर वाटर सॉल्व, कोई भी हो ना, सिल्वर हो, मरकरी हो, है ना, जो कि ये सब सबसे कम इनसॉल्युबल जो होते हैं मरकरी के होते हैं, सिल्वर के होते हैं, लेड के होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे कम जो है सॉल्युबल सॉल्ट इन्हीं के पाए जाते हैं, स्पेशली मरकरी का है, सिल्वर का है, ठीक है ना। तो लेकिन इनके भी जो नाइट्रेट्स होते हैं या परमैंगनेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑल अमोनियम सॉल्ट, है ना, अमोनियम सॉल्ट ऑफ जो भी हमारे सिलेबस में है, क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है। कौन कौन है बच्चों क्लास ए में, याद है, क्लास ए में कौन कौन है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है ना, सल्फाइट है, ठीक है, थायोसल्फाइट है, इसके अलावा और नाइट्राइट है, ठीक है ना, एसीटेट है, ठीक है, सल्फाइड है, तो ये क्लास ए में आ जाता है ना। और इसका क्लास ए का ग्रुप बी में जब जाते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, है ना, बोरेट, ऑक्जेलेट, ये आ जाता है, ये क्लास ए में है। और क्लास बी में कौन कौन है, जैसे कि फॉस्फेट है ना, ठीक है, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है ना, और मैग्नेट, क्रोमेट, है ना, ये सब है। तो इन सब का जो भी अमोनियम सॉल्ट होगा बच्चों, वो डिसॉल्व होगा, सॉल्वेबल होगा। अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, थायोसल्फाइड, एसीटेट, सल्फाइड, ऑक्जेलेट, एवरीथिंग, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम परमैंगनेट, अमोनियम क्रोमेट, ठीक है ना, डाइक्रोमेट, ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, सॉल्वेबल, ठीक है ना, अमोनियम, ठीक है। अगला है ऑल सोडियम सॉल्ट, ठीक है ना, आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट NaHCO3। अब देखो ये एक्सेप्ट है तो मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट स्पेरिंगली सॉल्वेबल होता है, ठीक है ना,
कम सॉल्वेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इसमें इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो पॉलीमरिक होता है, लॉन्ग चेन होता है, ठीक है। इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉलीमरिक और लॉन्ग चेन होता है, इस वजह से ये जो होता है कम सॉल्वेबल। अब इसी में है, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्वेबल, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्वेबल एक्सेप्ट NaSCO3। सभी बाइकार्बोनेट है ना, कोई सा भी, जैसे कहा KHCO3 हो या CSH3 हो, है ना। सॉलिड में बाइकार्बोनेट केवल अल्कली मेटल्स के ही बनते हैं, उसमें भी लिथियम बाइकार्बोनेट एक्सेप्शन होता है, वो नहीं बनता है, ठीक है। अब बाकी ये सब क्या होते हैं बच्चों, एक्वस में ही बनते हैं, है ना, ये सॉलिड में होते ही नहीं है। सॉलिड में केवल KHCO3 है ना, सॉलिड में कौन कौन होते हैं, सिर्फ ये होते हैं NaSCO3 है ना, KHCO3, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम्स है ना, HCO3, और यही तो होते हैं सॉलिड में, CSH और एक ये भी है अमोनियम NH4HCO3, सिर्फ इतने ही सॉलिड में होते हैं, बाकी कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं, सॉलिड होते ही सब वाटर सॉल्युबल है, सिर्फ यही क्या है, वाटर इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो यही जो होता है वो क्या होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, बाकी सभी बाइकार्बोनेट, ठीक है बच्चों। अब इसको एकदम इस तरह से पढ़ना है कि याद हो जाए, ये फैक्ट बेस्ड है ना, तो ये फैक्ट है, तो फैक्ट है तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि ये फैक्ट, ठीक है। तो सारे नाइट्रेट परमैंगनेट सॉल्युबल होते हैं, सारे अमोनियम आयन के जितने भी सॉल्ट होंगे, क्लास ए का, क्लास बी का, सब सॉल्युबल होगा, ठीक है। ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर वाटर, सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं उसमें से कुछ गिने चुने ही सॉलिड होते हैं, जिसमें अल्कली है ना मेटल्स के होते हैं, क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम होती है। और अमोनियम आयन, इसमें एक बच्चों एक कॉमन चीज़ याद रखना है कि NH4+ K+ इनका वेरी, ठीक है ना, सिमिलर सिमिलर क्या होता है, चार्ज अपॉन, मतलब वेरी क्लोज होता है, लगभग बराबर होता है, इसलिए इनके जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी सब एक जैसे होती है, ठीक है ना, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, हाइड्रेशन सब कुछ एक जैसे होती है अमोनियम आयन और पोटेशियम आयन का, ठीक है। तो इनके लिए ऐसा सेम होता है। अब इसमें नेक्स्ट है कि ऑल ऑल है ना बाइसल्फाइट आर वाटर सॉल्युबल, जितने भी बाइसल्फाइड्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ऑल नाइट्राइट आर वाटर सॉल्युबल, एक ही एक्सेप्शन क्या है, AgNO2, समझ गए। तो नाइट्राइट का टेस्ट करना है तो अगर सोल्यूशन नाइट्राइट है उसमें हम AgNO3 डाल दें, अगर हमको प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो एक तरह से कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरह ये बच्चों क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑल नाइट्राइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgNO2, ठीक है ना। अगला है कि ऑल मेटल एसीटेट्स आर, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एसीटेट आपके सिलेबस में है, ऑल मेटल एसीटेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। एक्सेप्ट, अब जो एक्सेप्ट है वही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, एक्सेप्ट कौन कौन है, एक तो सिल्वर का है, ठीक है ना, AgCOO, ठीक है ना, सिल्वर एसीटेट, या फिर जो बेसिक सिल्वर बेसिक एसीटेट है, ठीक है ना, एल्युमिनियम, ये दोनों सेम ग्रुप में है, एल्युमिनियम, क्रोमियम और आयरन, ठीक है ना, इनका जो क्या होता है बेसिक एसीटेट होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला ऐसे होता है AlOH का होल ट्वाइस
सी एस थ्री सी ओ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक एसीटेट। उसी तरह सी आर होल ट्वाइस, ठीक है ना, और एफ ई ओ एच होल ट्वाइस, ये सब जो होते हैं बच्चों बेसिक एसीटेट है, ये सेम ग्रुप के होते हैं, ठीक है ना। तो यही केवल, और इसके बाद कौन सा सी एस थ्री सी ओ ओ ए जी, तो यही सब क्या होते हैं, इन्हीं का प्रेसिपिटेट होता है, यही क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्वल होते हैं, ठीक है। अगला है ऑल एस ब्लॉक सल्फाइड, एस ब्लॉक सल्फाइड है ना। जैसे सेकेंड ग्रुप के जो रेडिकल है ना, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये सिक्स्थ ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो एस ब्लॉक के जो सल्फाइड होते हैं वो सब के सब सॉल्वल होते हैं, आर सॉल्वल एस ब्लॉक मतलब Na2S, ठीक है ना, BAS, CAS, ठीक है ना, SRS, ये सब के सब K2S, ये सब अमोनियम के तो बताए ही है ना, सारे ही होते हैं। ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं जो वाटर सॉल्वल होते हैं। कौन नहीं होते हैं, जो भी आप टेस्ट पढ़ते हैं है ना, सेकेंड ग्रुप का, ठीक है, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप तो बनता ही नहीं, फोर्थ ग्रुप, ठीक है ना। सेकेंड ग्रुप में क्या है, कॉपर प्लस टू होता है, बिस्मत होता है, ठीक है ना, कैडमियम होता है, इन सब के जो भी सल्फाइड होते हैं, आर्सेनिक प्लस थ्री में होता है, ठीक है, SN प्लस टू में होता है, प्लस फोर में होता है, ठीक है। इसके बाद मरकरी HG टू प्लस होता है, ठीक है, लेड का होता है ना, लेड है। तो ये सब जो होते हैं, उसके अलावा जो है कोबाल्ट, निकल, ठीक है, जिंक, MN, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। मतलब आप सोच लो कि एस ब्लॉक के सल्फाइड के बारे में हम श्योर है, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप दोनों, लेकिन ये जो सेकेंड ग्रुप, ये जो सॉल्ट एनालिसिस के सेकेंड ग्रुप है बच्चों, ये ध्यान रखना, सेकेंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप, ठीक है ना। अभी हम लोग इस पर आएंगे कि सॉल्ट एनालिसिस में भी बेसिक रेडिकल में ग्रुप बनाए गए, छः ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड सिक्स्थ ग्रुप, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, इनसॉल्वेबल होते हैं, मतलब इनके सल्फाइड जो होते हैं, इनके सल्फाइड, ठीक है ना, सल्फाइड मतलब एस टू माइनस वाटर क्या होते हैं, इनसॉल्वेबल, ठीक है। अगला है एल्कली मेटल बोरेट, है ना, एल्कली वाले में कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल, एल्कली मेटल बोरेट्स आर वाटर सॉल्वल, ठीक है ना, जैसे NaBO2 होगा, KBO2 होगा, ठीक है ना, RBBO2, ये सब सॉल्वल हैं, ये वाटर में डालोगे सॉल्ट की तरह डिजॉल्व हो जाएंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, एल्कलाइन जैसे कौन सा है, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया है ना, स्ट्रॉन्शियम हो गया, बेरियम हो गया, ठीक है ना, इनके जो बोरेट होते हैं वो इनसॉल्वेबल होते हैं, ठीक है ना। इनके होते हैं एंड रिमेनिंग और बाकी के भी, और बाकी सभी मेटल, बाकी सभी मेटल के क्या होते हैं, मेटाबोरेट, ठीक है ना, मेटाबोरेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। तो एक बच्चों रफ आइडिया समझना है कि जैसे फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हैं है ना, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप अलग है, सॉल्ट एनालिसिस का फर्स्ट ग्रुप अलग है। सॉल्ट एनालिसिस के फर्स्ट ग्रुप में कौन है, आज होगा पैसा वसूल, है ना, Ag प्लस, Hg टू टू प्लस एंड Pb टू प्लस, ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ सॉल्ट एनालिसिस है, ठीक है।
ये वाला फर्स्ट ग्रुप अलग है, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो एल्कली मेटल है, वैसे कहेंगे हम एल्कली मेटल के सारे जो सॉल्ट होते हैं सॉल्वल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़ करके, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अमोनियम आयन के सारे सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्वल होते हैं, कोई सा भी सॉल्ट हो। ठीक है, उसके बाद जो हमने देखा है कि नाइट्रेट, सारे जो नाइट्रेट होते हैं सॉल्वल होते हैं, सारे नाइट्राइड सॉल्वल होता है, जिसमें AgNO2 एक्सेप्शन है। तो वही बच्चों क्या है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, AgNO2। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि AgNO2 सभी नाइट्राइड जो होते हैं वो, ठीक है, वो सॉल्वल होते हैं, केवल AgNO2 ही सॉल्वल नहीं होता है, सिल्वर नाइट्राइड। ठीक है, सभी एसीटेट सॉल्वल होते हैं, केवल सिल्वर एसीटेट और फिलकर, है ना, कौन है फिलकर यार, या ऑल करोड़पति, है ना, करोड़पति क्या है, फकीर, ऐसे याद करो। ठीक है ना, ऑल मतलब एल्युमिनियम, करोड़पति मतलब क्रोमियम, फकीर का मतलब आयरन। तो इनके ऑल करोड़पति फकीर वाला और सिल्वर का जो एसीटेट है, ये सब क्या होते हैं बच्चों, इनसॉल्वल होते हैं, बाकी सारे एसीटेट सॉल्वल होते हैं। एस ब्लॉक के जितने भी सल्फाइड है, चाहे फर्स्ट ग्रुप का हो चाहे सेकंड, एस ब्लॉक लिखा है तो उसका भी क्या होगा, सॉल्वल होगा। ठीक है, अब एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो बोरेट होते हैं वो इनसॉल्वल होते हैं, एल्कली मेटल के जो बोरेट होते हैं वो सॉल्वल होते हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल बोरेट जो होते हैं वाटर सॉल्वल, एल्कलाइन अर्थ मेटल और बाकी जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्वल। ठीक है, याद रखेंगे कि सभी बोरेट मेटा बोरेट के रूप में, ना, सभी प्रकार के बोरेट, ठीक है ना, मेटा बोरेट के फॉर्म में ही क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जो बोरेट होते हैं वो मेटा बोरेट के ही फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ये याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब जैसे जो फॉस्फेट होता है, अब जैसे जैसे कई बार होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये NCERT में नहीं है, या ये JEE के सिलेबस में ये वाला एसिडिक या बेसिक रेडिकल नहीं है। तो बच्चों क्या है ना कि देखो, तुमको एस ब्लॉक भी पढ़ना है, है ना, पी ब्लॉक भी पढ़ना है, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक भी पढ़ना है। तो मैंने जितने भी यहाँ पे रेडिकल है ना, इस सब में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, फॉस्फेट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, बोरेट भी मिल जाएगा जो पी ब्लॉक है, ठीक है, ऑक्जिलेट भी मिल जाएगा। तो ये सब मौजूद, मतलब जो भी हमने यहाँ पे रेडिकल लिखे हैं, भले वो जे एडवांस पे डायरेक्ट नहीं लिखा है उसके सिलेबस में, लेकिन ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में मौजूद हैं, वो एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारा आपको पढ़ना है, ये नहीं सोचना है कि मैं इससे छुट्टी मुझे मिल गई है, मतलब इसको पढ़ाना ही नहीं है, है ना, वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कहीं बेटा सॉल्ट एनालिसिस में, लेकिन मैं इसका रिएक्शन तो पूछ लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये है, तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक में सारी चीज़ें, जैसे फॉस्फेट हो गया, ठीक है ना, ऑक्जिलेट हो गया, या सल्फेट हो गया, ठीक है ना, या बोरेट हो गया, ठीक है, या फ्लोराइड हो गया, ठीक है ना, कहते हैं फ्लोराइड ये जो इंटरफेयरिंग रेडिकल है, तो ये भी तो है, ये तो हैलोजन ग्रुप में है ना, तो ये तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछा ही जाएगा, तो ये याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग फॉस्फेट जो होता है, जैसे H3PO4, अगर इसका एक होता है, एक हाइड्रोजन हटा लोगे NaOH के साथ तो H2PO4 आएगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉस्फेट। तो प्राइमरी फॉस्फेट, सभी मेटल के प्राइमरी फॉस्फेट सॉल्वल होते हैं, याद रखेंगे पहला पॉइंट, सभी मेटल के प्राइमरी फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या होते हैं, वाटर सॉल्वल। ठीक है, प्राइमरी फॉस्फेट मतलब एक हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है बाई बेस, है ना, एक एक एच। उसी तरह सेकेंडरी फॉस्फेट क्या होगा, दो हाइड्रोजन हट जाएगा, दो हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा,
सेकेंडरी फॉस्फेट क्या हो जाएगा, Na2HPO4। और उसके बाद क्या है टर्शरी फॉस्फेट, ये हो जाएगा Na3PO4, ये हो जाएगा टर्शरी फॉस्फेट। ठीक है, तो इनका बच्चों हीटिंग भी थोड़ा सा आप याद रखें। ठीक है, तो टर्शरी फॉस्फेट मतलब तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, सेकेंडरी मतलब दो हाइड्रोजन हटा दिए। ठीक है ना, तो इसमें याद रखना है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी, टर्शरी फॉस्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अदर मेटल। जैसे सेकेंड सिक्स्थ ग्रुप में बच्चों मैग्नीशियम है। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, तो अदर मेटल्स आर वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉस्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब जरा बच्चों इसको हीट कर दो, जैसे प्राइमरी फॉस्फेट है NaH2PO4, इसको हीट कर लो, इसमें से वाटर निकाल लोगे, क्या बनेगा NaPO3 बनेगा प्लस H2। तो ये अपने आप में रिएक्शन है, तो इसको सोडियम मेटाफॉस्फेट कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे सोडियम मेटाफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी फॉस्फेट को हीट करो Na2HPO4। अब देखो इसमें से पानी निकालना है, पानी निकालने के लिए दो लेना पड़ेगा है ना, दो हाइड्रोजन चाहिए ना, क्या बन जाएगा Na4 सोडियम 4 हो जाएगा P2O7 प्लस H2O। ठीक है, और अगर इसको हीट करोगे Na3PO4, ठीक है, तो नो इफेक्ट, इसमें पानी है ही नहीं, कहाँ से निकालोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर प्राइमरी फॉस्फेट को हीट करोगे तो सोडियम मेटाफॉस्फेट मिलेगा, सेकेंडरी फॉस्फेट को हीट करोगे तो ये पाइरोफॉस्फेट आएगा है ना, पाइरो, और इसको हीट करोगे टर्शरी फॉस्फेट का तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉस्फेट ऑफ एल्काइन अर्थ मेटल अदर मेटल्स आर वाटर इनसॉल्युबल, और एसिडिक मीडियम में ये सॉल्युबल हो जाएगा बच्चों है ना, वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम, बट सॉल्युबल इन एसिडिक, बताओ ऐसा क्यों हुआ, क्यों एसिडिक मीडियम में, सिंपल सी बात है यार, जैसे देखो मान लो है कि Mg है ना, HPO4 है, ये सेकेंडरी फॉस्फेट है। ठीक है ना, दो हाइड्रोजन हटा, तो इसमें अगर हम एसिड डाल दें HCl तो क्या मिलेगा, Mg2+ हो जाएगा प्लस H2PO4-, ऐसा हो सकता है ना, प्लस Cl-। तो ये देखो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, ये वीक एसिड है, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को क्या करेगा, डिस्प्लेस ही करेगा। इस वजह से अगर इसमें एसिड डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जो आपको आगे काम आएंगे। ठीक है बच्चों।